हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विकास कमले पाटिल। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं कैसे हम हमारा हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विद्यापीठ के ऑफिशियल वेबसाइट से। तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे ब्राउजर में जाके डाउनलोड हॉल टिकट बाम, ठीक है, एंटर प्रेस करेंगे हम। जैसे एंटर प्रेस किया, यहाँ पे देखो आगे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की साइट, तो इस पर हम क्लिक करेंगे पहले। तो ये डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विद्यापीठ की वेबसाइट खुल गई। यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, क्लिक हियर फॉर बामू यूनिवर्सिटी पोर्टल पे क्लिक करना है। यहाँ पे हमको लॉग इन ऑप्शन पे क्लिक करना है। लॉग इन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले हमको स्टूडेंट सेलेक्ट करना है। यहाँ पे इसके बाद हमको पीआरएन नंबर डालना है अपना, जो भी पीआरएन नंबर है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है। डेट ऑफ बर्थ कौन से फॉर्मेट में डालने का है, YY MMDD में, मतलब पहले ईयर, फिर मंथ और फिर डेट, ठीक है। इसके बाद लॉगिन पे क्लिक करना है। यहाँ पे डाउन सेव कर देते हैं, ठीक है। तो देखो ये आपका प्रोफाइल ओपन हो गया है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी पे। देखो यहाँ पे दिख रहा है मेरा नेम और फोटो यहाँ पे दिख रही है। तो डाउनलोड के लिए आपको क्या करना है, सिंपली जो ये ऊपर अल्फाबेट दिख रहा है इसमें से डी पे क्लिक करना है। जैसे आप डी पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे देखो बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, व्यू प्रोफाइल, एकेडमिक डिटेल, डाउनलोड सिलेबस, डुप्लीकेट स्टेटमेंट, डाउनलोड टाइम टेबल, शेड्यूल, डाउनलोड एग्जामिनेशन फॉर्म, डाउनलोड हॉल टिकट। तो हम डाउनलोड हॉल टिकट पर क्लिक करेंगे। तो मैंने डाउनलोड हॉल टिकट पे क्लिक किया, तो यहाँ पे देखो आ गया जो आपका कोर्स है उसका नेम आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे आपका जो एग्ज़ाम फॉर्म नंबर, सीट नंबर और यहाँ पे डाउनलोड ऑप्शन। तो आपको यहाँ पे डाउनलोड ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप डाउनलोड ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो डाउनलोडिंग का प्रोसेस चालू हो जाएगा। आपको अलग से टाइम टेबल डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टाइम हॉल टिकट में टाइम टेबल आ ही जाता है, ठीक है ना। तो हम इसको सेव फाइल कर देते हैं, ओके। तो यहाँ पे देखो फाइल सेव हो रही है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, कंप्लीटेड ओपन, तो इस पर क्लिक किया मैंने। तो देखो यहाँ पे ये यह हॉल टिकट आ गया मेरा। तो इतना आसान है हॉल टिकट डाउनलोड करना। और दोस्तों, एग्ज़ाम के लिए मैं कुछ बताना चाहूँगा कि एग्ज़ाम आप किसी भी मोबाइल पे दे सकते हो, किसी भी मोबाइल, लैपटॉप या फिर आईपैड पे आप दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं कि आपने विलिंगनेस में मोबाइल लिखा है और फिर आप है, तो अगर चाहते हो कि आप लैपटॉप पे दो तो आप दे सकते हो, बिल्कुल दे सकते हो। और एग्ज़ाम के बीच में भी अगर आपका मोबाइल वगैरह ख़राब हो जाए या कुछ नेट का प्रॉब्लम आए, नेट कनेक्शन, तो आप दूसरे मोबाइल पे स्विच कर सकते हो, ठीक है। अगर एग्ज़ाम के बीच में क्या हुआ, कहीं पे आपका नेट बंद हो गया या आपकी टेस्ट बीच में बंद हो गई, तो आप क्या कर सकते हो, जल्दी से दूसरा मोबाइल लेके आप फिर से लॉग इन कर सकते हो। बस आपने पहला जितना टाइम एग्ज़ाम दिया उतना टाइम उसमें से माइनस होंगे और आपके एग्ज़ाम फिर से स्टार्ट हो जाएंगे। बिल्कुल भी डरने की बात नहीं, और एग्ज़ाम बहुत ही अच्छे से होने वाली है, और आप पासिंग भी आसानी से हो सकती है, क्योंकि जो मार्क्स है आपके 50-50 डिवाइड हुए, 50% इंटरनल मार्क्स होंगे, 50% आपके एग्ज़ाम पे डिपेंड होंगे। तो इतना ही था। ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम। जय हिंद, वंदे मातरम।